Hello everybody, I'm making this video for telling a tip to teach children the language, specifically English here. Otherwise, ये tips आप दूसरी language सीखने के लिए भी आप use कर सकते हो. Okay? So now I started how to make children learn the language, specifically English. हम कोई भी भाषा तीन तरीके से सीखते हैं. Three ways. कैसे? From the book. आजकल तो मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो from the media and from the home, right? Now, but सीखना भी आना चाहिए. सच पूछें तो आधे लोगों को सीखना ही नहीं आता है कि कैसे हम किसी रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं. रिसोर्सेज हमारे पास आसपास ही होते हैं, हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, राइट? तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सीखने के लिए कैसे सीखने के लिए यूज़ करेंगे ये बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द बुक, क्योंकि बाबा काफ़ी ज़माने से यही सबको लगता है कि सिर्फ किताबों से नॉलेज मिलती है. तो बुक से तो सीखना ही है, लेकिन बुक से भी कैसे सीखना है? क्या होता है कि सालों दर साल बच्चे पढ़ते रहते हैं और लास्ट में जाने पे पता चलता है कि उनकी जो भाषा है वो ठीक नहीं है, लैंग्वेज की पकड़ नहीं है, रटे रटाए तरीके से वो लिखने की कोशिश करते हैं जिससे वो जितना मार्क्स चाहिए उतना नहीं आ पाता है. तो क्यों ना हम बचपन से बच्चों को ये ट्रिक्स बता दें जिससे हमारा हर बच्चा एक्सेलेंट लैंग्वेज लर्नर बन जाए. सो देखिए, ये वीडियो पेरेंट्स भी देखें और बच्चे भी देखें और टीचर्स भी देखें, ताकि सब मिलके हम अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको गाइड कर सकें. सबसे पहले मैं बुक के डिस्कस करती हूँ. बुक से कैसे होता है? देखिए, बुक सबसे पहला एस्पेक्ट है रीडिंग प्रॉपरली, फिर लर्निंग वर्ड्स, फिर राइटिंग वर्ड्स, फिर रीडिंग को स्पेसिफाई करते हैं. तो पहले हमने रीडिंग प्रॉपरली कर लिया, इसको मैं इधर एलैबोरेट करूँगी. लर्निंग वर्ड्स में क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ें कि एक पेज अगर आपने रीड कर दिया है तो आप आँखें बंद करके उस पेज में आए कम से कम 5 वर्ड रिकॉल कर सके, कम से कम 5 वर्ड, इतना तो किसी की भी कैपेसिटी होती है. तो इस तरह से एक पेज पढ़ने के बाद उसको रिकॉल कर लीजिए कि ये वर्ड आए थे. फिर दूसरा पेज पढ़िए, कुछ नए वर्ड्स रिकॉल करिए. तीसरा पेज पढ़िए, कुछ नए वर्ड्स रिकॉल करिए. तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी रिच हो जाएगी. अब बच्चों के एंगल से बताऊं तो बच्चों को, क्योंकि छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, बुक से देख के कॉपी पे लिखवाते हैं. इससे आँखों का जो तालमेल होता है वो ठीक नहीं होता और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं. तो बेस्ट तरीका है कि राइटिंग वर्ड्स इन द बुक ओनली मैनी टाइम्स. मीन्स जैसे मान लीजिए ये बुक का पेज है, मैंने उसको बोला राइट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, तो मैं वर्ड के पास ही जगह देख के कहीं भी उसको बोलूँ कि इसको तुम 5 बार लिखो और बोल के लिखेगा. तो क्या होगा, क्योंकि सामने वर्ड है उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा माइंड को, आँखों को भी नहीं परेशानी होगी और हाथों को भी परेशानी नहीं होगी, और इस तरह से वो वर्ड की स्पेलिंग सही लिखेगा. जब वो सही लिखेगा, बोलेगा, तो उसको याद होगा. और इस तरह से आप टारगेट रखिए कि बेटा इस पेज के 5 वर्ड तुम लिख के प्रैक्टिस करो, अगले पेज में नए 5 वर्ड बोलो, उससे अगले पेज में नए 5 वर्ड बोलो.
तो इससे बच्चों की भी इंक्रीज हो जाएगी। अब खाली रीडिंग करने से नहीं आ रहा तो खाली रीडिंग भी करना चाहिए। कई बार होता है कि रीडिंग में लाउड रीडिंग ज़्यादा अच्छा होता है। अगर रीडिंग करना है तो कैसे करना है ये भी लोगों को नहीं पता होता। देखिए, रीडिंग में हमारे पास प्ले हो सकता है, पोएम हो सकती है, एक नॉर्मल लेसन हो सकता है, इनफैक्ट स्पीच हो सकती है, स्पीच भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, कई बार लेसन में स्पीच आ जाते हैं लोगों के। तो प्ले क्या होता है? नाटक। नाटक क्या होता है? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किससे रिलेटेड क्या होते हैं? डायलॉग्स। तो अगर कोई प्ले आ रहा है, जनरली हमारे इंग्लिश की बुक में प्लेज आते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मल रीडिंग करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर प्ले की भांति ही रीड करने का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए कि बेटा दिस इज़ प्ले, दीज आर द कैरेक्टर्स, यू बिकम अ कैरेक्टर एंड स्पीक एंड रीड इन अ प्रॉपर टोन। इफ़ यू आर बिकमिंग सन, इफ यू आर बिकमिंग विंड, इफ यू आर बिकमिंग मैन, सो यू रीड प्रॉपरली लाइक अ प्ले। बचपन से ये कभी नहीं सोना कि छोटा बच्चा है कोई बात नहीं बड़ा होकर सीखेगा, वो फिर कभी नहीं सीखता है। जिस एज में जो आप सिखाएंगे तभी सीख जाएगा। नेक्स्ट, पोएम। पोएम आती है तो पोएम का रिसाइट पे ध्यान देना है, रेसिटेशन पे ध्यान देना है, पोएम को रेसिटेशन पे ध्यान देना। तो पोएम की जब रीडिंग करनी है तो पोएम रेसिटेशन के फॉर्म में करना है, पोएम को रिसाइट करना सिखाना है बच्चों को। रिसाइट करते समय क्या होता है, अगर रिदम लाने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट के लेटर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है मेंट, कोई वर्ड है मेंट, तो आप इसको टी को अवॉइड भी करके मैन करके जल्दी से बोल सकते हैं। एंड लिखा है तो ड को अवॉइड कर दीजिए, एन बोल दीजिए। और बच्चों को ये सिखाएंगे तो इससे क्या होगा, उनका एक रिदम डेवलप होगा, उनको रेसिटेशन का फास्ट रजिस्ट्रेशन करने में मज़ा आएगा और अच्छे से रिसाइट कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि लास्ट लेटर को अवॉइड करना है, और स्पेशली कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेंट और टुगेदर, तो मेंट टुगेदर, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं मेंट टुगेदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इसी तरह फास्ट रीडिंग की जाती है। तो फास्ट रीडिंग कर लिया, उसको रिसाइट कर लिया, और उसको पोएम को बाय हार्ट लर्न करना है, बस ये टारगेट रखना चाहिए, बाय हार्ट लर्न करना है। फिर बड़ी क्लास में भाई क्वेश्चंस के आंसर देख लेने हैं बस। जब बच्चे को पोएम लर्न रहेगी तो क्वेश्चन के आंसर इजीली फटाफट दे सकता है वो, अलग से उसको सोचना नहीं पड़ेगा। अब आता है एक नॉर्मल लेसन का रीडिंग का, जैसे गद्य पद्य हिंदी में होते हैं, इसी तरह आप इंग्लिश में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रख के स्टडी करेंगे। नॉर्मल लेसन की रीडिंग के लिए जितने भी पंक्चुएशन मार्क है उसका ध्यान रखना है, कहीं एक्सक्लेमेटरी तो जनरली आपका डायरेक्ट नरेशन में ही आ रहेगा, अदरवाइज फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये सब चीज़ें, इवन क्वेश्चन मार्क भी आपका देखिए तो नरेशन में ही आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक्स में आता है, फुल स्टॉप ही मोस्टली आता है, फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, जहाँ फुल स्टॉप आए वहाँ सांस तोड़ना है, नई लाइन को नए टोन के साथ स्टार्ट करना है, और पुरानी लाइन का लास्ट वर्ड डाउन लेके आना है ताकि लगे कि ये लाइन आपकी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जैसे अगर रीडिंग में यहाँ पे मैं फोकस कराऊँ, द गैस इज़ बर्निंग, शुरुआत किया द गैस इज़ बर्निंग, जो साउंड ऐसे गिरता है किसी भी लाइन को रीड करते समय, शुरुआत में साउंड ऊपर जाएगा और लास्ट में साउंड नीचे आएगा। पुट अ वेसल ऑन इट, पुट अ वेसल ऑन इट, पुट अ वेसल ऑन इट, द मिल्क इज बॉइलिंग, द मिल्क इज बॉइलिंग, लाइक दैट। सो रीडिंग करते समय जब आप फुल स्टॉप के बाद शुरू कर रहे हो तो आवाज़ ऊपर जाएगी, और फुल स्टॉप तक आते आते आवाज़ आपकी डाउन हो जाएगी, इससे लगेगा कि सेंटेंस ख़त्म होके नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप रीडिंग पे ध्यान देंगे, और बुक के हर पेज से कुछ ना कुछ नया सीखा है ऐसा फील करेंगे।
अब आता है और कौन से तरीके से लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, तो मैंने जैसे बताया मीडिया, आजकल टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बच्चे जनरली खेलते ही रहते हैं खेलते ही रहते हैं। तो वहाँ से कैसे सीखा जा सकता है, जैसे घर में न्यूज़ चल रही है, जनरली न्यूज़ चलती है तो कोई ध्यान से देखता नहीं है, तो बच्चों को शुरू से बताइए कि जब टीवी चल रहा हो, न्यूज़ चल रहा हो, तो जितने वर्ड्स आते हैं आप उन पर ध्यान रखें, इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के हों, वो ध्यान रखें, चलते फिरते ध्यान रखना है और उन वर्ड्स को लर्न करना है। आप बताएंगे तब तो बच्चे सीखेंगे ना, नहीं तो उनके दिमाग में क्या होता है, वर्ड न्यूज़ है पापा देख रहे हैं, हमें उस पर फोकस नहीं करना। लेकिन नहीं, आपको बताना है कि आप गेम भी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको कान इस तरफ रखने हैं और आपको वर्ड्स सीखने हैं, न्यूज़ जाननी है, यदा कदा उनसे न्यूज़ डिस्कस करिए, देखिए क्या उन्होंने सुना है गौर से न्यूज़, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। अगर आप उनसे डिस्कस करोगे तो उन्हें न्यूज़ में इंटरेस्ट आएगा, कल पापा पूछ रहे थे, आज अगर डिस्कस होगा तो ये चीज़ कैसे हो। सो बड़ों की तरह बच्चों को भी अपने इस वाले टॉक में इन्वॉल्व किया करें आप लोग। फिर आता है कार्टून फिल्म्स, आप उन्हें कार्टून फिल्म्स लगा देते हैं, ठीक है, फ़ोन पे लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कैप्शन करके, कैप्शन करेक्ट है ना इन इंग्लिश, इसे ज़रूर लगा दिया करें। कार्टून फिल्म चल रही, नीचे कैप्शन आ रहा है, और उनको बोलिए बेटा नज़र इस पर भी रखा करो थोड़ा बहुत, अरे कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो लाइंस सीखेंगे, कुछ तो रीडिंग सीखेंगे, खेल खेल में कैसे उनको लर्निंग देनी है, ये आपका दायित्व है, बच्चों का नहीं है। आगे देखिए स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज लगा दी है कुछ, तो वहाँ पे भी कैप्शन ऑन करिए, कैप्शन ऑन करना मत भूलिए, और थोड़ा स्लो मूवमेंट रखिए किसी चीज़ का, थोड़ा धीरे चलेगा तो जल्दी समझ में आएगा उनको बात, कॉपी करने की आदत डलवाइए उनको। बच्चे जनरली जैसे कार्टून देखते हैं तो कैसे कॉपी करने लगते हैं, तो आप कोई एक छोटी सी स्टोरी दिखाइए इंग्लिश की और उनको कहिए कि कॉपी करो इसको, इंग्लिश की स्टोरी दिखाइए और कहिए कॉपी करो इसको, डालिए हैबिट, धीरे धीरे शिफ्टों में सीख जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट आगे उनको क्या सिखा सकते हैं, मिमिक्री करना। आप उनको कहिए कि चलिए कोई भी न्यूज़ रीडर है, एक न्यूज़ रीडर बोल दीजिए, आज इसकी मिमिक्री करके दिखाओ कैसे बोल रहा है, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे बोलिए कॉपी योर मदर, कॉपी योर फादर, योर टीचर, तो इससे इनके अंदर एक नया टैलेंट डेवलप होगा जो आप खुद उजागर करोगे शुरू से। तो ये बच्चों को कहिए, मज़े लीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए और बच्चों को इस तरह से सीखने में मज़ा भी आएगा। तो मीडिया का आपने मैक्सिमम यूज़ कर लिया, जहाँ से मीडिया मिला, हॉर्डिंग नज़र आ रही है, बाहर बच्चे जा रहे हैं घूमने में, कोई बाहर हॉर्डिंग देखा, ऐड देखा, भाई पढ़ो क्या लिखा है इस ऐड में, ठीक है, वहाँ छोटा सा डिस्कशन कर लो, और कुछ करो, मतलब उनको मोटिवेट करो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का। कोई बैनर है उसको पढ़ाइए, कोई दुकान के ऊपर लिखा है उसको पढ़ाइए, कोई मंदिर है उस पर लिखा है कुछ जागरण पागरण, जो भी कुछ लिखा है सब पढ़ाइए। मतलब क्या है कि उनको सिर्फ पढ़ने की हैबिट डालिए, उन्हें हर जगह पढ़ना है, बच्चे हैं ऐसे सीखेंगे और क्या, रीडिंग करनी है, रीडिंग की हैबिट डालिए। उसके बाद मीडिया से भी सीख लिया, बुक से भी सीख लिया, अब हम आते हैं हम घर में कैसे सिखाएंगे उनको। हमारे मोस्टली पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना, तो अब इसको कैसे कर सकती हैं, जो वर्क कर रही हैं उसी वर्क को आप अपने मुंह में अपने मन में इंग्लिश में बोलें, और बच्चा अगर आसपास है तो उसको अटेंशन शो दिलाएं। जैसे आप बैठी हैं फ़ैन को देख के बोलें दिस फैन इज़ मूविंग, दिस फैन इज़ नॉट मूविंग, अब उसको समझ में आ गया कि ये इस चीज़ के लिए है, चलते फिरते उसको बोले कि अब आप कुछ बोलो इस बारे में। फिर आप जब खाना बना रहे हो तब कुछ दो लाइनें उनको डिस्कस कर लो, करेक्ट, फिर कुछ और काम कर रहे हो, मतलब ये मैं कह रही हूँ कि हर समय बच्चे को सीखने के मोड में ऑन रखना है आपको, इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके।
एक तो बच्चा नॉटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। सीखने का मूड हर समय ऑन रहेगा तो नॉटी नहीं होगा, शरारती बिल्कुल नहीं होगा, आपको ओबे करेगा, आपकी हर बात मानेगा, प्लस आपके पास भी फालतू चीज़ों के लिए दिमाग में टाइम नहीं होगा। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस बच्चे को सिखाने में रहेगा। पति देव आपको देख देख के खुश होते रहेंगे कि बस मेरी बीवी तो कितनी मेहनती है, हर काम करते करते भी देखो कई काम एक साथ करती है। आजमाइए ये सब नुस्खे, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। अब आता है कि हम तो बच्चों से बोलते हैं और बच्चा समझता है, लेकिन अब बच्चे से सिखाना कैसे? जैसे आपने बोला हैव सम बिस्किट, ओके, तो बच्चा इसकी इंग्लिश में रिप्लाई ज़रूर करे, खाली चुपचाप बिस्किट ना खाए। जैसे बोलो भाई रिप्लाई तो करो, तो हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, इट इज़ टेस्टी मामा, आई डोंट लाइक इट, आई वॉन्ट द स्वीट वन, आई वॉन्ट द सॉल्टी वन, मतलब एक लाइन उसको कंपल्सरली है बोलना एक्टिविटी के साथ, एक लाइन बोलो। शुरू में मोटिवेट करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे उसके मुंह पे अपने आप इंग्लिश की लाइनें आ रही हैं और वो बहुत अच्छे से आपके हर बात को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, इंग्लिश में रिस्पॉन्स करना बहुत ईजी है। कैसे? वही लाइन बोली जाती है जो क्वेश्चन की लाइन होती है। जैसे आपने कहा ब्रिंग द ग्लास, ब्रिंग द ग्लास, अब उस बच्चे को क्या करना, वो चुपचाप गिलास ला के रखेगा नहीं, उसको कहना है हेयर इज द ग्लास, हेयर इज, ये है द ग्लास, तो उसने आपको द ग्लास तो आप ही का कॉपी कर लिया, बाकी हेयर इज अपने आप लगा दिए। तो ये हैबिट भी रखनी कि आप जो भी लाइन उसको इंग्लिश में बोलते हैं वो भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ ज़रूर बोले। तो आई होप कि ये जब टिप्स आप यूज़ करेंगे अपने बच्चों के साथ, खुद भी सीखेंगे, उनको भी सिखाएंगे, घर का माहौल बदलेगा। मीडिया में एक चीज़ और बताना था मुझे, ख़ास तौर से इंडिया में बहुत सारे सीरियल्स जो होते हैं वो आजकल चल रहे हैं गॉड्स पे, भगवान के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि आपके ये वाले भगवानों वाली स्टोरी चलती है, हनुमान जी की, फिर आपका इधर श्री कृष्णा, या कोई हिस्टोरिकल सीरियल्स चल रहे हैं, तो ऐसा सीरियल्स को ज़रूर दिखाया करिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, जनरल नॉलेज, फिर आपने नोट किया है उनकी भाषा बहुत सही हो जाती है, हिंदी की और संस्कृत की, प्लस अगर हिस्टोरिकल है तो उस पर्टिकुलर, जैसे जनरली मुगल की कोई बन रही हो तो आपकी उर्दू सही हो जाएगी, बच्चों की उर्दू सीखेंगे, तो क्यों ना हम बच्चों को मोटिवेट करें ये सब सीखने का, इनके लिए अलग से खर्चा नहीं करना है। आप वो सीरियल्स दिखाएंगे, उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और उनकी भाषा भी अच्छी होगी और बढ़िया भी रहेगा। तो एक पंथ और दो काज, तो मैं तो मीडिया का कहूँगी मैक्सिमम यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, जो ये वाले आप हिस्टोरिकल और आपके भगवान जी वाले, उनको ज़रूर दिखाया करिए। हिंदी और संस्कृत तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, खुद आपको लगेगा कि ये वर्ड आपको नहीं आता था, देखिए इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की एक बच्चे के साथ, खुद के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि अगर कोई कमी है तो मैं उसको कैसे इसमें और क्या डाल सकती थी। थैंक यू।